My dear learners, welcome to NIOS Senior Secondary Chemistry classes. Myself Neha Kishavani, SCO Chemistry. So today we are going to discuss a very new chapter, that is Occurrence and Extraction of Metals. This is chapter 16. Chapter 16 ka chemistry ka senior secondary part mein hum chapter 16 padhne wale hain, jiska naam hai Occurrence and Extraction of Metals. This is part 1. In this part, we are going to discuss about introduction, about how to extract metals. Then, hum unki processes ke baare mein padhenge. Uske baad, hum kuch metals hain humare, kaise extract kiye jaate hain, kya procedure hai iska, inme kya series hoti hai, kiske accordingly hum janenge ki haan, ye metal humara is process ke through extract kiya jayega, ya is process ke through extract kiya jayega. Aur lastly, hum log metals ke kuch important यूजेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मेटल्स जो है हमारे उनका क्या क्या यूजेस होता है, क्या रीजन है हम क्यों इनकी अकरेंस करते हैं. बिकॉज हम जानते हैं कि मेटल्स के बारे में, मेटल्स हमारे अराउंड बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं मेटल्स, और मेटल्स जो है उनके यूजेस बहुत ज्यादा हैं. ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट अवर टॉपिक. So objectives of these chapters are, firstly we are going to discuss about introduction, how, what are metals, what are ore, what are gangue. So inke baare mein hum padhenge, uske baad hum padhenge extraction of metals, how metals gets extracted. Then we are going to discuss about the major steps of extraction or metallurgy, and then lastly we will discuss about the metallurgy of iron. आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो दीज आर टूडेज ऑब्जेक्टिव्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट जस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन. ओके, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनरल, ओर्स एंड गैंग. जब भी आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हो तो तीन टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं. फर्स्ट इज मिनरल, सेकंड इज ओर, एंड लास्टली इज द गैंग. तो इनमें मिनरल्स क्या है, ओर क्या है, गैंग क्या है, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. सो वी लुक फॉर मिनरल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन बाय माइनिंग. तो माइनिंग के बारे में पता होगा, माइनिंग बेसिकली हम लोग करते क्या है, मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मेटल जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं. क्लास टेंथ में या सेकेंडरी का जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने देखा भी था कि मेटल्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स. अब कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक वो मेटल्स जो हमारे, अगर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि दोज हु आर बेसिकली मोर रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव दे आर प्रेजेंट एट दी अबव ऑफ दिस सीरीज. तो सीरीज में ऊपर की तरफ जो मेटल्स हमारे पास जाते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. देन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन बिटवीन हाईली रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव. तो लीस्ट रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव के बीच में जो हमारे मेटल्स पाए जाते हैं दे आर नोन एज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. यानी कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होते, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव. एंड उसके बाद रिएक्टिव सीरीज में जो सबसे नीचे मेटल्स हमारे पाए जाते हैं दे आर नोन एज लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. तो इनके अकॉर्डिंगली मेटल्स हमारी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव. इफ दे आर हाईली रिएक्टिव ऑन दैट केस ये जो है वो कंबाइन फॉर्म में पाए जाएंगे. अगर लेस रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है उस केस में वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, तो ये लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं. मर्करी हो गया, ये दे आर लीस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स. दैट इज व्हाई दे आर फाउंड एज प्योर फॉर्म. हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत कम ही इंप्योरिटीज होती हैं जिनको इजिली दूर करके उनके प्योर फॉर्म को पाया जा सकता है. बट अगर वो लेस रिएक्टिव हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव हैं या हाईली रिएक्टिव है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाएंगे. तो उनको वहां से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट मिनरल्स. लेट जस्ट डिस्कस अबाउट ओर्स. सो व्हाट आर ओर्स? So out of many minerals, only a few are viable to use sources of metals such as minerals are called ore. So those minerals जिनमें हम metal को extract कर सकते हैं, वो minerals हमारे जिनसे metal को extract किया जा सकता है, they are called as ore. तो सारे हमारे ores जो हैं वो minerals नहीं होंगे, सारे जो ores होते हैं वो minerals होते हैं, जबकि सारे minerals हमारे ores नहीं हो सकते. ये question पूछा भी जाता है कई बार, why all ores are minerals but not all minerals are ores.
तो सारे मिनरल्स हमारे ओट्स नहीं हो सकते, जबकि सारे ओट्स हमारे मिनरल्स होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ओट्स उन्हीं मिनरल को हम कहेंगे जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, सिर्फ वही ओट्स हमारे मिनरल्स कहलाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट ओर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी ओर के बारे में। लास्टली जस्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैंग। गैंग क्या होती है? ठीक है, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग। तो अर्थी या अनडिजायर्ड मटेरियल जो कि हमें मेटल के साथ कंबाइंड रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्योर मेटल चाहिए तो प्योर मेटल के साथ वो सारी चीजें, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो कंकड़ पत्थर ही क्यों ना हो, बिकॉज जो भी चीजें हमारे मेटल के अलावा उसमें चीजें पाई जाएंगी, दे आर कॉल्ड एज गैंग, बिकॉज वो इम्प्योर फॉर्म में है, वो हमें नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज गैंग। लास्टली लेट अस डिस्कस अबाउट मेटलर्जी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, या मेटलर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जितनी भी पूरी प्रोसेस है उसको हम मेटलर्जी कहेंगे, वीदर इट इज फिजिकल और केमिकल। अगर हम फिजिकली भी उनमें से चीजों को अलग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर माइनिंग हुई है किसी ओर की, अगर वो मिनरल आया उसके बाद जो चीजें हमको विजिबल हैं उनको हम इजिली हटा सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट जो चीजें विजिबल नहीं है उसमें, मिली हुई फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म में, देन उसके लिए हम क्या करते हैं? केमिकल एक्टिविटी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं ताकि उनको और प्योर फॉर्म में लाया जा सके। सो ऑल दीज प्रोसेस आर बेसिकली कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो वो प्रोसेस जिसमें हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, ये सारा प्रोसेस किसमें आएगा? मेटलर्जी में आएगा। सो दिस इज अबाउट मेटलर्जी। आई होप अभी आपको तीन चीजें समझ में आ गई होंगी, मिनरल्स, ओर्स, गैंग एंड मेटलर्जी। सो इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, और व्हाट आर ओर्स, व्हाई ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट और नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन चीजों के बारे में आपको पता है तो 1-1 मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, यू कैन इजिली सॉल्व। लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट, That is occurrence of metals. तो metals अभी हम लोगों ने बात की थी, metals जो होते हैं वो basically ore से extract किए जाते हैं। Why they are called as ore? Because जितने भी हमारे वो minerals जिसमें metal extract किए जाते हैं उन्हें हम ore कहते हैं। तो यहां पर हम basically उनको ore कहेंगे। तो ore से mineral को extract किया जाता है, यानी कि metals जो होते हैं वो basically किस form में पाए जाते हैं? हमारे metallic जो ore होते हैं उनके form में पाए जाएंगे, ठीक है। और इनकी कुछ कंपोजिशन होती है, ठीक है, और है तो उनकी कोई कंपोजिशन होगी जिनमें क्या होगा? प्योर मेटल होगा प्लस उनमें गैंग होगी, ठीक है, यानी इंप्योरिटीज होंगी। तो दो चीजें इसमें हो सकती हैं हमारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एल्युमिनियम ओर, अगर हम एल्युमिनियम ओर के बारे में बात करें, एल्युमिनियम ओर, देन एल्युमिनियम जो होता है मेटल, उसके बेसिकली हमारे पास दो ओर हैं, कौन कौन से? बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट। जो बॉक्साइड है उसका फॉर्मूला है Al2O3.x वेयर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर, ठीक है। तो एक नंबर एक्स क्या है यहां पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर। तो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जितना नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल है उसका हम क्या कर देंगे? डैश जो हमारा एक्वा फॉर्म है वो, ठीक है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, Na3AlF6। उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें, आयरन की अगर हम बात करें तो जो हमारा आयरन है उसमें बेसिकली दो ओर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन सा? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर के हमारे दो ओर हैं, कौन कौन से हैं? कॉपर पाइराइड एंड कॉपर ग्लांस। जो कॉपर पाइराइड है उसका फॉर्मूला है CuFeS2 एंड कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है Cu2S। इसी तरीके से जो जिंक है उसका दो ओर है, जिंक ब्लेंड एंड जिंसाइड। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला है ZnS एंड जिंक साइड का फॉर्मूला है ZnO।
ओ यानी जिंक ऑक्साइड. तो जिंक सल्फाइड एंड जिंक ऑक्साइड दो हमारे ओर हैं जिनका नाम है बेसिकली हमारा क्या, जिंक ब्लेंड एंड जिंसाइड. ओके, यहीं से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं. दीज आर ओर्स. सो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होगा. ओके, इसी तरीके से बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा, या हो सकता है आपसे पूछ ले व्हाट आर दी ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कौन कौन से ओर्स है, नेम टू उनके फॉर्मूलाज को लिखने के लिए बोल देगा. तो यही है, इतने ही है, इतने से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है. तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, ये चार मेटल हैं, इनके ओर उनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं. सो दिस इज अबाउट मेटल एंड ओर. सो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ओर है वो कितने तरीके से एक्सट्रैक्ट हो सकता है. जो ओर है वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मेटल है. ठीक है, अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वो हाईली रिएक्टिव है, दैट मींस जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि वो फ्री फॉर्म में नहीं होगा. अगर वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, ऑन दैट केस इट विल बी प्रेजेंट एज कंबाइंड फॉर्म. और अगर वो लीस्ट रिएक्टिव है, विद इट इज लेस रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ऑन दैट केस वो क्या होगा, फ्री फॉर्म में पाया जाएगा. यानी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा. सो लेट जस्ट डिस्कस वन बाई वन. सो ओर, सबसे पहले ओर से हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिलता है. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड से उसको रिएक्ट कराते हैं. आफ्टर दैट वील गेट थ्री काइंड ऑफ मेटल. अब कौन कौन से मेटल है हमारे, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव है दैट मीन्स इनको हम सिंपल प्रोसीजर से अलग नहीं कर सकते. ऑन दैट केस वील यूज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हम करेंगे क्या कि मोल्टन स्टेट में दो इलेक्ट्रोड उसमें हम सेट करेंगे, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे. तो उनका कलेक्शन क्या होगा, अदर जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे उनकी तरफ उनका कलेक्शन होगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें मेटल विथ मॉडरेटली रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव, ऑन दैट केस दे आर ऑफ टू टाइप. कौन कौन से टाइप के हैं, नंबर वन इज कार्बोनेट ओर एंड नंबर टू इज सल्फाइड ओर. तो दो तरीके के ये होते हैं, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर. ओके, सो कार्बोनेट ओर का हम कैल्शनेशन करते हैं, सल्फाइड ओर के रोस्टिंग करते हैं. ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. होते दोनों रिवर बेटरी फर्नेस में ही हैं, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. कैल्शनेशन इज द डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम रोस्टिंग, बिकॉज रोस्टिंग में हम एक्सेस एयर के साथ उसको रोस्ट करते हैं, एंड कैल्शनेशन विल टेक ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, या फिर एयर की एब्सेंस में किया जाता है ये पूरा प्रोसेस. उसके बाद जैसे ही हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, विल गेट ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. इन ऑक्साइड ऑफ मेटल्स का हम क्या करेंगे, रिडक्शन. ठीक है, उसके बाद उनका होगा प्यूरिफिकेशन. सो दिस इज अबाउट मेटल्स विथ मॉडरेटली रिएक्टिव. ओके, इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स विथ लो रिएक्टिव, ऑन दैट केस क्या होगा, ये तो लो रिएक्टिव है जाहिर सी बात है, तो ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं. तो सल्फाइड ओर के सल्फाइड को अलग करने के लिए बेसिकली हम उनकी रोस्टिंग करेंगे. जैसे ही हम रोस्ट करेंगे, विल गेट मेटल, एंड इनकी रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. सो दिस इज अबाउट द होल प्रोसेस. ये पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ, या कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि आप कैसे पूरे चैप्टर को एक छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हो. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल. हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसके क्या प्रोसेस होंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे. देयर आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, कंसंट्रेटेड ओर हो गया हमारा, और कौन सा, कार्बोनेट ओर हो गया और सल्फाइड ओर हो गया. कार्बोनेट के लिए हम कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग. दोनों से हमें ऑक्साइड मेटल्स मिलेंगे, और फिर फर्दर हम उनका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन, रिडक्शन करके देन प्योरिफिकेशन. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. ये पूरी प्रोसेस है पूरे चैप्टर की. आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. अगर ये वाला फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया, तो उस केस में आप पूरे चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, यू विल इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज ये चीज समझना बहुत जरूरी है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द मेजर स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स फॉर मेटलर्जी, कौन कौन से स्टेप्स हैं. देर आर मेनी स्टेप्स, बेसिकली थ्री स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं, लेट जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेप्स. द थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स,
as are as follows. Number one is concentration of ore. Number two is extraction of metal from concentrated ore. And number three is ore refining of metal. जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले फ्लो चार्ट में भी देखा था, सबसे पहले हमें कंसंट्रेटेड ओर मिलेगा, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड ओर का, उसके बाद हम उनकी रिफाइनिंग करेंगे. सो दीज आर थ्री स्टेप्स. तो सबसे पहले हमें क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर मिला, कंसंट्रेटेड ओर का हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन के बाद फर्दर उनकी हम रिफाइनिंग करेंगे. यही पूरा प्रोसेस है, चाहे वो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल हो, चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो, चाहे लेस रिएक्टिव मेटल हो, यही तीन स्टेप में सारे क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट होंगे. So let's just discuss one by one. इसको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कैसे कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन. किसी भी तरह की इंप्योरिटी, इफ एनी काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज प्रेजेंट, यानी कि प्योर मेटल के अलावा जो भी उसके अंदर पाया जा रहा है, ऑल आर कॉल्ड एज इंप्योरिटीज. तो उनको इंप्योरिटीज को अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, अगर हमारे मिनरल्स की माइनिंग हुई, माइनिंग के लिए आपको पता ही है कि माइनिंग कैसे होती है, डिफरेंट प्लेसेस होते हैं जहां पर जो ओर्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं उनकी माइनिंग की जाती है. अब माइनिंग के बाद वो बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं. अब उन स्टोन्स की पहले हम क्या करते हैं, उनकी ग्राइंडिंग करते हैं. ग्राइंडिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंडर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है. आपकी बुक्स में भी बहुत सारे ग्राइंडर्स के बारे में दिया गया है, बट वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ग्राइंडिंग. आपको सिंपली समझना है कि ग्राइंडिंग का मतलब होता क्या है. ग्राइंडिंग जैसे ही हमारी हो गई, उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन करेंगे. जैसे ही हमारी कंसंट्रेशन हो गई, फिर फर्दर हम उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे और लास्ट में उनकी रिफाइनिंग करेंगे. तो यहां पर कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि इंप्योरिटीज को दूर करना. वो इंप्योरिटीज जो बेसिकली हमें विजिबल हैं, वो तो हम इजिली पिक करके अलग कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि घर में जो हमारे अलग अलग तरह के ग्रेन्स होते हैं, उनमें हैंड पिकिंग हम यूज करते हैं. तो हैंड पिकिंग के थ्रू जो भी विजिबल हमारे इंप्योरिटीज है, उनको हम अलग कर लेंगे, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओर, some of the important processes are given below. कौन कौन सी प्रोसेस है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग. सो दीज आर फोर प्रोसेसेस विच कैन बी यूज फॉर कंसेंट्रेशन प्रोसेस. तो कंसेंट्रेशन प्रोसेस के लिए हम इन चार चीजों का यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द इम्प्योरिटीज, जिस टाइप की इंप्योरिटीज है, ठीक है. हैंड पिकिंग को भी अगर वो विजिबल है तो हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर लेंगे, और अगर उनमें ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे. हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए फॉर एग्जांपल ग्रेन में जो भी आपके इंप्योरिटीज विजिबल है, वो तो आप क्या करते हो, हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर लेते हो. आफ्टर दैट हम उसको वॉश करते हैं, और वॉश करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ वॉटर. तो वॉटर में होता क्या, जैसे ही हमने ग्रेन पर वॉटर डाला तो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और हैवियर पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं, फिर उनकी हम वॉश आउट कर देते हैं उनको, इंप्योरिटीज को. सो दिस इज द प्रोसेस. अगर इस तरह का ग्रेविटी सेपरेशन पॉसिबल है, उस केस में हम हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे. मैग्नेटिक सेपरेशन कहां होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन अगर हमारा ओर में जो गैंग है या ओर है, उन दोनों में से कोई भी हमारा जो मेटल है या जो गैंग है, उन दोनों में से कोई भी हमारा क्या है, मैग्नेटिक की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा, ऑन दैट केस वील यूज दिस प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन. नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वील डिस्कस लेटर. देन लास्ट वन इज द लीचिंग प्रोसेस. सो लेट जस्ट डिस्कस वन बाय वन. इस प्रोसेस में हम क्या क्या करेंगे, लेट जस्ट डिस्कस. नंबर वन इज हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जैसा कि अभी हमने बात किया, जैसे कि आपके बोर्ड पे भी शो हो रहा होगा, इन दिस केस व्हाट वील यूज इन हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गैंग. तो ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गैंग, यानी अगर जो हैवियर पार्टिकल होगा, जैसे ही हमने वॉटर को उसमें फ्लो किया, हैवियर पार्टिकल इज सेपरेटेड इन द बॉटम साइड, एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लो होकर के ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो इन दिस प्रोसेस एंड अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वॉटर इज यूज टू वॉश द पाउडर्ड ओर. द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे एंड द हैवियर ओर आर लेफ्ट बिहाइंड. सो दिस इज द प्रोसेस. यू कैन सी दिस पिक्चर.
इस पिक्चर में हो क्या रहा है, दीज आर ओर्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म एजेस है यहां पर, यहां से वाटर की सप्लाई हो रही है, यहां से वाटर इसको दिया जा रहा है। जैसे वाटर दिया गया, जो डिफरेंट ग्रेविटीज के जो पार्टिकल्स हमारे डिफरेंटली कलेक्ट हो रहे हैं, जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो रहे हैं, जो कि वॉश आउट होकर के बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं यानी जो हमारे ओर हैं वो नीचे जाके कलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इंप्योरिटीज को इजिली हम वॉश आउट कर सकते हैं, और जो हमारे हैवियर जो ओर के फॉर्म में वो नीचे हमारे जो भी हमारा पॉट है उसमें मिल जाएगा हमें, उसको हम फर्दर कलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन, एज वी डिस्कस अर्लियर। सो इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस बेसिकली उन्हीं ओर्स के लिए होगी जो बेसिकली इसमें इस प्रोसेस को फॉलोअप करेंगे, यानी कि ओर यानी कि मेटल या फिर गैंग, उन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट हो सके और दूसरा मैग्नेटिक से अट्रैक्ट ना हो, ऑन दैट केस विल यूज दिस प्रोसेस। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, मैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। इफ आइदर द ओर और द गैंग कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, देन सच सेपरेशन आर कैरीड आउट। The ground ore is carried on a conveyor belt with the passes of over a magnetic roller. So this is a magnetic roller. यहां पर क्या है आपके ore है, यानी गैंग भी है ore भी है, आपको दिख रहा होगा दो अलग अलग particles दिख रहे होंगे, एक येलो कलर की बॉल है और ग्रीन कलर की बॉल से दिख रहा होगा। तो यहां पर होगा क्या, जैसे ही मैग्नेटिक रोलर में हम इसको डालेंगे मैग्नेटिक रोलर के ऊपर, this will rotate it and what will happen? Those who are attracted towards magnet, they are collected here. Those who are not, they are collected here. So this is the process. This is the whole process. यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी process होती है. So let's just see, होता क्या है यहाँ पर? Powdered ore पहले गया magnetic roller की help से, then it will collected as magnetic ore and non-magnetic impurities. So this is about the magnetic separation. ठीक है? तो यहां पर हो क्या रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन में, जो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट हुआ है दे आर नोन एज मैग्नेटिक ओर, दे आर कलेक्टेड हियर, एंड व्हाट विल हैपन, दोज हु आर नॉट मैग्नेटिक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट दे आर कॉल्ड एज इंप्योरिटीज एंड दे आर कलेक्टेड हियर। सो दिस इज द होल प्रोसेस, जहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू हम इजिली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट दी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आपको नाम इजिली रटे होने चाहिए कि इसके बाद ये प्रोसेस है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज द प्रोसेस, देन मैग्नेटिक सेपरेशन इज द प्रोसेस, देन फ्रोथ फ्लोटेशन इज द प्रोसेस, एंड लास्ट वन इज द लीचिंग प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस आपको याद होनी चाहिए। इफ यू नो अबाउट द प्रोसेसेस यू कैन इजिली ड्रॉ द पिक्चर एंड यू कैन इजिली राइट डाउन दी थिंग्स, क्या है क्या, इसके स्टेप के बाद क्या होगा, अगर आपको पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन, दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारी सल्फाइड ओर के लिए ही यूज होगी, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज ऑलवेज यूज इन द केस ऑफ सल्फाइड ओर। इफ देयर इज अ सल्फाइड ओर ऑन दैट केस वी विल यूज दिस प्रोसेस। ठीक है, कई बार पूछ भी लेता है कि जो हमारा पर्टिकुलर ओर है, किसी ओर का नाम दे दिया, सपोज जिंक सल्फाइड दे दिया, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया विच प्रोसेस इज यूज इन दिस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रोथ फ्लोटेशन इज द प्रोसेस जिसमें सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो व्हाट विल हैपन इन दिस प्रोसेस, आ सस्पेंशन ऑफ द अपवर्ड ओर इज मेड विथ वॉटर। एक सस्पेंशन हम बनाएंगे, टू इट कलेक्टर्स एंड फ्रोथ stabilizers are added, then mineral particles become wet by oil while gang particles by water. A rotator pedal agitates the mixture and drawn air in it. As a result, froth is formed which carries the mineral particles. Okay? So this is the process. This is the picture of the process. Let's just discuss one by one with the help of पिक्चर। तो इस पिक्चर में हो क्या रहा है कि पल्प जो हमारा ओर का है, उसके बाद हमने उसमें क्या किया है, ऑयल यूज किया है,
एक रोटेटर है, पेडल रोटेटर है जो बेसिकली उसमें रोटेट हो रहा है। जैसे ही वो रोटेट होगा पाइन ऑयल के साथ क्या होगा कि फ्रोथ फॉर्म होंगे और फ्रोथ के साथ हमारा जो ओर है वो कलेक्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब इस फ्रोथ में है क्या क्या चीजें, इन लार्ज व्यू अगर हम देखें इसका बबल का, तो इसमें मिनरल पार्टिकल्स हैं जो कि फ्रोथ के साथ कलेक्ट हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं और वो ऊपर आकर के कलेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल ऊपर वाली लेयर पे और इनको हम कलेक्ट करके अलग कर लेंगे और फिर उनका सेपरेशन इजिली पॉसिबल है। सो दिस इज अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।